हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फर्स्ट बोल रहा है साइन ए कोस ए, सेकेंड है साइन सी और कोस सी। ओके, तो मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कि ए बी और सी दर्शाया। सवाल में जैसा कि बोल रहा है कोण बी क्या है, समकोण है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम चलेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर कि साइन ए और कोस सी का मान निकालें। ठीक है, तो हम लोग पहले में चलेंगे। पहले बोल रहा है हमारा साइन ए का मान, तो साइन थीटा, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, पी बट्टे में एच होता है, पी बट्टे में एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए और यहाँ पे क्या है, कोस ए है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ सवाल में आपको ए बी का वैल्यू दिया हुआ है और बी सी का वैल्यू 7 दिया हुआ है। ठीक है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ हमारा 24 और बी सी बराबर 7। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है जिसमें कि एक और दो दिया हुआ है, तीसरा जो है हम लोग का हाइपोटेनस जिसे हम लोग एच बोलते हैं, हमेशा ये क्या होता है, एच होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पी, इसको बोलते हैं बेस बी, तो हाइपोटेनस का मान नहीं दिया हुआ, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एच बराबर जो फॉर्मूला होता है हम लोग का, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर, ये को पता होना चाहिए। तो पी का वैल्यू दिया हुआ हम लोग कितना, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको पी, इसको बोलते हैं बी, तो पी का वैल्यू दिया हुआ हम लोग कितना 24, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर एच बराबर। ठीक है, तो एच बराबर जो हमारा निकलेगा 24 स्क्वायर होता है 576 और प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49। क्लियर है, तो एच का जो मान निकलेगा हमारा अंडर रूट दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा हमारा 625 बराबर, लिख सकते हैं हम लोग कितना 25, तो एच बराबर कितना निकलेगा हमारा 25। ओके, एच का मान कितना निकल गया हमारा 25। अब जो हमारा चलते हैं सवाल पे, तो क्या है पहला सवाल हम लोग का, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, चलिए, तो पहले चले हम लोग सवाल नंबर फर्स्ट में, क्या है हम लोग का साइन ए। ध्यान देने की बात ये है कि अगर यहाँ पे ए की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला क्या होगा, पी होगा, सामने वाला क्या होगा पी, और बगल वाला क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, साइन ए की बात कर रहा है तो सामने वाला पी होगा परपेंडिकुलर, बगल वाला क्या होगा बेस होगा बी, लेकिन जो एच है हाइपोटेनस वो चेंज नहीं होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बराबर, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये होता है ए से देखेंगे तो क्या होगा, ये पी होगा, तो पी का मान कितना हो जाएगा हमारा 7 और एच का मान क्या होगा हमारा 25। क्लियर है, सेकेंड है क्या हम लोग का, सेकेंड इसी में हम लोग का कॉस ए है, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे में एच, बी बट्टे में एच, इसमें भी क्या है कि ए की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए की बात कर रहा है तो कहाँ से देखेंगे हम लोग, ए से देखेंगे, ए से देखेंगे तो सामने वाला भुजा क्या होगा हमारा पी होगा और बगल वाला बी होगा, तो यहाँ पे क्या है बी बट्टे में एच, तो बी का मान कितना है 24 बट्टे में, एच का मान हमारा कितना है 25, ये हो जाएगा हम लोग कितना कॉस ए बराबर। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर जो है निकल गया। ओके, अब चलते हैं सेकेंड नंबर में, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये है साइन सी और कॉस सी का मान, तो फॉर्मूला सेम रहेगा,
नंबर फर्स्ट में हम लोग का साइंस सी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टे में एच। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ए की बात करेगा तो ए से देखेंगे और यहाँ पे सी की बात कर रहा है, जब सी की बात करेगा तो सी से देखेंगे, बिंदु सी से देखेंगे, तो सामने वाला क्या होगा पी होगा और बगल वाला क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो मैंने लिखा हुआ है कि सामने वाला पी बराबर 24, बी बराबर 7, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 24 और अपॉन में एच, एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, ये फर्स्ट निकल गया। दूसरा क्या हम लोग का कॉस सी है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बी बट्टे में एच, सामने वाला बी क्या होगा हमारा 7 होगा और एच क्या होगा 25 होगा, 7/25। तो हमारा फाइनल जो आंसर निकलेगा हमारा नंबर फर्स्ट निकलेगा साइन ए बराबर, जैसा कि मैंने निकाला था यहाँ पे 7/25, 7/25 साइन, सॉरी कॉस ए बराबर निकाले थे कितना 24/25, 24/25। दूसरा हो जाएगा हम लोग कितना कॉस ए बटे में हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए का मान मैंने निकाला था यहाँ पे, सॉरी कॉस ए तो यहाँ पे निकाल दिया ना हम लोग, कॉस सी हुआ, कॉस सी, तो कॉस सी का मान निकाला मैंने 7/25 और साइन सी के वैल्यू निकाले हम कितना 24/25, ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।